19 साल बाद दो श्रावण मासु का योग बना है। ब्रजभूषण जी, ग्राम भाटी में चल रही श्रीमद् शिव महापुराण के श्रेष्ठम दिवस पर आचार्य ब्रजभूषण महाराज ने बताया कि पुरुषोत्तम मास में दो श्रावण मास 19 साल बाद पड़े हैं एवं श्रावण मास का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अधिक से अधिक समय निकाल कर के अधिक से अधिक पुण्य लाभ अर्जित करना चाहिए। आचार्य जी ने कथा के प्रसंग बताया कि भगवान शिव का पूजन समस्त समस्याओं को दूर करने वाला है। ऐसा कोई दुनिया में देव नहीं हुआ जिसने भगवान शिव का पूजन ना किया हो। भगवान राम ने भी शिव का पूजन किया, भगवान कृष्ण ने भी भगवान शिव का पूजन किया। भगवान शिव योगेश्वर हैं एवं उनके पूजन मात्र से ही मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। महाराज ने तुलसी एवं शालिग्राम विवाह का प्रसंग सुनाया और तुलसी के तुलसी महारानी बहुत महान सती थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से उनको दुनिया में सम्मान प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने लीला करने के बहाने उनको दुनिया में प्रसिद्ध करवाया एवं भोलेनाथ ने वरदान देकर ही तुलसी जी को हर घर में पूजन प्राप्त होने का वरदान दिया था एवं उन्होंने ही भगवान शालिग्राम को घर घर पूजन होने का आशीर्वाद प्रदान दिया था। भगवान शिव की महिमा अनंत है। आपको ज्ञात हो कि भाटी में 17 जुलाई से 25 जुलाई तक शिव महापुराण की कथा एवं 11 लाख पार्थिवी शिविर का आयोजन रखा गया है जिसमें कि हजारों की संख्या में भक्त आकर के धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन भाटी सरकार के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। शिव पुराण कथा का समय दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है।